मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम ज्योग्राफी में चैप्टर्स 6 पढ़ रहे थे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फॉरेस्ट के बारे में बताया था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं और ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टाइप का फॉरेस्ट देखेंगे, दैट इज़ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्टेस। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्टेस हैं वो आपको मोस्टली कोस्टल रीजन्स में दिखाई देने को दिखेंगे मिलेंगे। और आपको जैसे कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स में जैसे साउथ ईस्ट यूएसए है, साउथ चाइना में या फिर साउथ ईस्ट ब्राज़ील में आपको ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्टेस दिखाई देंगे। ठीक है, और ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्टेस में जो क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी दोनों तरीके की ही मतलब दोनों तरीके ही पेड़ आपको मिलेंगे। जैसे कुछ पेड़ ऐसे होंगे जिनकी हार्ड वुड होगी और कुछ पेड़ ऐसे होंगे जिनकी सॉफ्ट वुड होगी। मतलब दोनों तरीके की वुड वाले ट्रीज़ आपको इस फॉरेस्ट में मिलेंगे। जैसे हम ओक कह सकते हैं, पाइन कह सकते हैं, तो इस तरीके के पेड़ क्या कहलाते हैं बच्चों? देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये कैसा है, ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्टेस हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का फॉरेस्ट देखते हैं और उसे समझते हैं। अब जो बच्चों नेक्स्ट है, मीन्स फोर्थ वन है, वो है बच्चों टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्टेस। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते जाते मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर आपको टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्टेस दिखाई देंगे। ठीक है, और ये जो फॉरेस्टेस होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? जैसे हम कह सकते हैं यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में, चाइना में, न्यूजीलैंड में और यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में भी। जो वेस्टर्न पार्ट का जो कोस्टल रीजन है, वेस्टर्न पार्ट का कैसा रीजन है? कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन वही होता है जो मतलब पानी के पास वाला जो रीजन होता है वहाँ पर, तो ऐसे फॉरेस्टेस वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, यूरोप, है ना, कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, जब पतझड़ का मौसम आता है तो इनकी सारी लीव्स क्या होती हैं, गिर जाती हैं। पतझड़ के मौसम में सारी लीव्स क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। और हम यहाँ कह सकते हैं जो यहाँ में इन फॉरेस्ट्स के जो कॉमन ट्रीज़ हैं, तो आपको कौन कौन से ट्रीज़ यहाँ पर पाए जाएंगे? ओक, ऐश, बीच, ये सारे आपको ट्रीज वहाँ पर मिलेंगे। कहाँ पर? टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्ट्स में। और यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं बच्चों? जैसा कह सकते हैं लोमड़ी है और हिरण है, ये सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ चिड़िया भी यहाँ पर मेनली पाई जाती हैं, जैसे हम कह सकते हैं पेजेंट और ये मोनल्स। देखिए मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए क्या है ये, क्या है ये? टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्ट। क्या है बच्चों ये? टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्ट। ओके, देखिए देखिए बच्चों, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये कौन सी चिड़िया है? ये है मोनल्स, मीन्स मोनल। क्या है ये? मोनल है। और ये कहाँ पर पाई जाती है बच्चों? टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्टेस में। ठीक है, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी ब्यूटीफुल है, कलरफुल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आप चिड़िया देख रहे हैं, पता है कि ये चिड़िया क्या है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं तीतर। क्या बोलते हैं? तीतर। ये भी देखिए कितनी कलरफुल है, कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ये दोनों चिड़िया मेनली कहाँ पर पाई जाती है बच्चों? टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्टेस में। ओके, अच्छा स्पेलिंग सुनाइए चलिए मुझे एक बार डिसिड्यूस की। डिसिड्यूस की DECIDUOUS। ओके, तो आपको समझ में आए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्टेस और टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्टेस। और हमने इससे प्रीवियस क्लास में कौन से दो पढ़े थे बच्चों? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्टेस और ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्टेस। मीन्स हमारे चार तरीके की फॉरेस्टेस हो चुके हैं। अब बच्चों जो नेक्स्ट वेजिटेशन है वो है मेडिटेरेनियन। ठीक है, देखिए हमने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट है
या जो मोस्ट ऑफ द ईस्ट पार्ट है जब का, वहाँ पर टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डिसीड्यूस ट्रीज है ना। लेकिन अगर हम वेस्ट की तरफ देखें और साउथ वेस्ट देखें, वेस्ट की तरफ देखें और साउथ वेस्ट की तरफ देखें, तो जो साउथ और वेस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ आप देखेंगे तो वो चीज़ थोड़ा आपको अलग दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर किस तरीके की वेजिटेशन है बच्चों, वहाँ पर मेडिटेरियन वेजिटेशन है ना, मतलब इस तरीके की वेजिटेशन वहाँ पर है। और आपको इस तरीके की वेजिटेशन यूरोप में भी दिखाई देगी, अफ्रीका में भी दिखाई देगी, एशिया में भी आपको, एशिया में भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। और ये जो, और आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगी, जैसे यूएसए में, कैलिफोर्निया में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्टर्न में, साउथ अमेरिका में, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, मतलब मोस्टली वेस्ट एरिया में है। कहाँ पर मिलेगी आपको, वेस्ट एरिया में आप इस तरीके की वेजिटेशन देख सकते हैं, ठीक है। जैसा आप ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा है ना, मतलब ज़्यादा ज़्यादा घनी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब ये कहाँ पर जो जिस एरिया में वेजिटेशन है, तो वहाँ का जो मतलब जो रीज़न है, तो वहाँ पर बच्चों कैसा मौसम होता है, वहाँ पर गर्मी बहुत होती है। क्या होती है, गर्मी बहुत होती है, और जो बारिश है वो मतलब ना ज़्यादा ना कम, बहुत कम बारिश कह सकते हैं हम, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है, नॉर्मल बारिश होती है, ठीक है। मतलब वहाँ पर गर्मी बहुत है, गर्मी क्या है, बहुत है। और वहाँ पर आपको किस तरीके के फ्रूट्स वहाँ पर, मतलब कल्टीवेशन वहाँ पर किस तरीके के फ्रूट्स का होता है, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज है, ऑलिव्स हैं, और आपके ग्रेप्स हैं, जो खट्टे फल होते हैं वो वहाँ पर कल्टीवेट किए जाते हैं। कहाँ पर, इन रीजन्स में जहाँ पर इस तरीके की वेजिटेशन होती है, ठीक है। और कल्टीवेशन की वजह से क्या हुआ है बच्चों, कल्टीवेशन की वजह से लोगों ने क्या किया है, कल्टीवेशन करने के लिए उन्होंने नेचुरल वेजिटेशन को क्या कर दिया, बिल्कुल हटा दिया है, ख़त्म कर दिया, मिटा दिया है। इस वजह से वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, बहुत कम जानवर वहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ कैसी है, बहुत ही कम है। कहाँ पर, कैसे रीजन्स में, जहाँ पर आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है, मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, है नेक्स्ट है कनीफरस फॉरेस्ट, है ना, शंकुधारी, पढ़ा ना आपने वर्ड, तो देखो तो ये आपको मोस्टली जो नदर हेमिस्फीयर है वहाँ पर आपको इस तरीके का वेजिटेशन, इस तरीके के जंगल मिलेंगे, दिखाई देंगे। और हम इनको जो जंगल है उनको हम टाइगा भी कहते हैं, TIAGA, ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट है, जो इस तरीके के आपको जंगल दिखाई देंगे, वो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, ऊंची ऊंची ऊंचाई पर, जैसे जैसे आप ऊंचे जाते जाएंगे, बहुत ही ऊपर जाते जाएंगे, वैसे आपको ये इस तरीके के पेड़ आपको दिखाई देंगे, इस तरीके के जंगल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये कैसे होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं, और इनकी जो वुड होती है, जो इनकी लकड़ी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, और ये थोड़े कोन शेप में होते हैं, कॉनिफेरस ना कोन शेप में होते हैं, किस शेप में होते हैं बच्चों, कोन शेप में होते हैं। और हम जो इनकी लकड़ी होती है, जो सॉफ्ट वुड है, कैसी वुड है इनकी, बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, तो इसकी, इनकी लकड़ी को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों, पल्प बनाने में, क्या बनाने में, पल्प बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और पल्प से क्या बनाया जाता है, जो पेपर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, या फिर न्यूज़ प्रिंट की जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वो पल्प से ही की जाती है। और पल्प हमें कहाँ से मिलता है, इन ट्री, जो फॉरेस्ट है उसमें जो ट्रीज़ है उनसे हमें मिलता है, क्योंकि इनकी जो वुड होती है बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। और सॉफ्ट वुड्स की यूज़ से हम मैच बॉक्सेस भी बनाते हैं, जो मैच का बॉक्स होता है ना, मैच स्टिक का जो बॉक्स होता है उसको बनाते हैं, या फिर जो पैकिंग के बॉक्सेस होते हैं वो भी उसी से बनाए जाते हैं, सॉफ्ट वुड से, ठीक है। और यहाँ पर इस फॉरेस्ट में,
इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज है, जैसा हम कह सकते हैं पाइन, चीर, ठीक है, इस तरीके के ट्रीज वहाँ पर उन जंगल में आपको दिखाई देंगे। और जो हम कह सकते हैं मोस्ट कॉमनली एनिमल्स यहाँ पर हैं, मोस्ट कॉमनली एनिमल्स हैं सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर, ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि हर एक वेजिटेशन में आपको बताया है कि यहाँ पर किस तरीके के पेड़ दिखाई देंगे, ये किस एरिया में मिलते हैं, किस एरिया में आपको इस तरीके की वेजिटेशन दिखाई देगी और वहाँ पर किस तरीके के जानवर, मतलब कैसी वाइल्ड लाइफ वहाँ की है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब टी ए आई जी ए, इसका मीन क्या होता है बच्चों? इसका मीन होता है प्योर, बिल्कुल शुद्ध, अनटच्ड, मतलब किसी ने छुआ नहीं है, वो बिल्कुल प्योर है, अभी तक किसी ने उसको टच नहीं किया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये पेड़ आप देख रहे हैं किसकी शेप में है बच्चों, आपको देख रहे हैं ना कोन की शेप में है। तो इस तरीके से आपको कोन की शेप के आपको पेड़ अगर दिखाई देते हैं तो वो कैसे जंगल है बच्चों, कैसे जंगल है? कॉनिफेरस जंगल फॉरेस्ट, ठीक है। आप ये देख रहे हो, ये देखो स्नो कवर्ड है, मतलब बहुत हायर ऑल्टीट्यूड्स पे ना, तो वहाँ पर बहुत ठंडक है, ठंड है, तो ठंड की वजह से वहाँ पे स्नो गिरती है, तो ये स्नो से ढके हुए हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये फॉरेस्ट ख़त्म हो गए कि किस तरीके के फॉरेस्ट हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रासलैंड्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको अब सारे वेजिटेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि वो कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर इस तरीके की वेजिटेशन है, वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनके फीचर्स वगैरह आपको अच्छे से पढ़ने हैं और समझने हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।